वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं हमारी खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन नूरे रमजान। हमारे पास बहुत ही अमेजिंग किस्म के सेलिब्रिटीज आज मौजूद हैं, आप लोगों ने उनकी गुफ्तगू भी सुनी। पर नाउ दिस सेगमेंट हमारे पास एक और एडेड गेस्ट भी हैं, उनसे भी हम आपका तारुफ कराते हैं, उनसे भी बहुत सी बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मदीहा। हेलो डॉक्टर मदीहा, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अ प्लेयर, डॉक्टर मदीहा रन द लार्जेस्ट एस्थेटिक सेंटर इन पाकिस्तान, कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक एंड पाकिस्तान नंबर वन एस्थेटिक Academy too. Yeah. How are you? I'm good. How are you doing? All good, mashallah. Dr. Mariya, mujhe sabse pehle to bataye ki considering the sort of environment that we have over here in Pakistan, how does that relate to the aesthetics over here? Okay, so basically aesthetics jo hai is time, it's one of the most emerging fields in the world. Theek hai? Aur is tarah se it has become the need of an hour, and it's one of the most popular kehte hain demands in the market ke everyone wants to look beautiful. और अगर हम बात करें औरतों की और अगर हम बात करें मेन की भी, तो इक्वली इसका जो एक है वो क्रेज़ है टू लुक ब्यूटीफुल, टू हैव ब्यूटीफुल स्किन, टू हैव ब्यूटीफुल हेयर। सो लाइक इट्स वन ऑफ द टॉप कहते हैं ट्रेंडिंग फील्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आजकल इट्स रमज़ान, हाउ कैन यू रिलेट इट एक्चुअली, हाउ कैन यू मेक योर यू नो स्किन रिफ्रेश्ड, नरिश्ड, एंड क्योंकि ऑब्वियसली वी आर फास्टिंग, वी आर डिहाइड्रेटेड। यस एग्जैक्टली। सो व्हाट्स द टिप? सो बेसिकली इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेरीज व्हिच वी रिसीव इन रमज़ान, जिसमें लोगों की स्किन बहुत डिहाइड्रेट हो जाती है बिकॉज स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड रात को सोने की और दिन को जागने की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, वाटर की इनटेक उस तरह से नहीं रहती है, जिसकी वजह से अमूमन स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, डार्क सर्कल्स की अपेयरेंस शुरू हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि अमूमन स्किन केयर को मेनटेन रखना रमज़ान में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं वही अपने पेशेंट्स को भी और यहाँ पे भी सब व्यूअर्स को यही सजेस्ट करूँगी कि वाटर इनटेक का बैलेंस रखना, क्योंकि वो बहुत एक अहम चीज़ है। अदर देन दैट के लोग चाह रहे होते हैं कि भाई ईद के करीब हमारी स्किन पे एक बहुत अच्छा ग्लो, वो ग्लो की जगह वो एक डल सारा इफेक्ट आ जाता है। तो ये कि वाटर इनटेक को बैलेंस करें, इसके अलावा फ्रेश जूसेस को डाइट में ऐड ऑन किया जा सकता है, जिसमें एप्पल, बीटरूट और कैरेट एक मेरा अपना भी पसंदीदा है कॉम्बिनेशन, जिसका जूस पीने से ये या एबीसी। एंड इसके अलावा आप वाटर की इनटेक भी 3 लीटर्स कम से कम रखें, और उसका इस तरह से रखें कि इफ्तार से सहर तक कम से कम आपको 3 लीटर्स की इनटेक रखनी चाहिए। और उसका भी एक इजी तरीका ये है कि टिल 12 आप 1.5 लीटर्स कर लें, देन 12 AM टिल सहर वो भी 1.5 लीटर्स इनटेक रखें। Yeah. Everyone wants to go for aesthetics. Like everyone wants fillers, they want Botox, they want to have their, you know, क्या कहते हैं वो tattooing their eyebrows. Exactly. So what's the trend? Why it's trending so much in Pakistan? Okay, so basically है ना, earlier it was like this, that people wanted to go to salons for some temporary beauty makeovers and some like कहते हैं limited time के लिए कुछ, but nowadays people want कि कुछ इस तरह की services लें कि they must last for some period of time. जैसे कि अब आप अमूमन अगर fillers को देखें तो उनकी lasting 6 months to 12 months up to 2 years depending upon the quality of the filler the doctor is using. Okay. इसी तरह से जैसे लोगों ने अगर अपनी fine lines, wrinkles and aging signs को delay करने the process of aging. So इसके लिए भी a lot of treatments are there which one can avail, and उनकी भी minimal lasting 1 year to 2 year है। So people want some permanent solution. इसी तरह आप देखिए social media पे Facebook, Instagram एंड सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स, उन्होंने लोगों के माइंड में एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी सेटअप कर दिए, जिसकी वजह से एवरीवन वांट्स कि भाई मेरी आईब्रोज ऐसी हो, मेरे लिप्स ऐसे हो, मैं ऐसे दिखना चाहती हूँ, आई वांट टू लुक यंग, आई वांट टू हैव अ मोर स्मूदर स्किन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, सो इट्स लाइक दैट। ठीक है, मेक सेंस। आप हमारे साथ मौजूद हैं बाबर अली एंड सारा नसीम, इंस्टीट्यूशंस इन देमसेल्व्स। परमानेंट ब्यूटी की आप बात कर रहे थे, मुझे बाबर भाई याद आ रहे थे, और आप नेचुरल ब्यूटी की बात कर रहे थे, मुझे बाबर भी याद आ रहे थे। बाबर भाई, एस्थेटिक्स की बात हो रही है, हमारे पास डॉक्टर मदीहा हमारे साथ ज्वाइन करें जाके। आप डी जी, हमने आपकी वैसे तो रूटीन की बात की, डू यू थिंक इंडस्ट्री के लिए अगर कोई एक्सपायरिंग एक्टर्स हैं, नए बच्चे हैं, उभरना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनको स्पेसिफिकली डू यू थिंक फोकस करना चाहिए अपने स्किन केयर के ऊपर ज़्यादा या एक्टिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए इनिशियली? मैं आपको इसको यूँ लूँगा, खैर जाइए, इनफैक्ट अपना फील्ड है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो 5 वक्त का वजू क्या बात है मुसलमान करता है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, तो बेसिकली आपके चेहरे पे वो जो गर्द और गुबार है, बिल्कुल ऐसे मिट्टी है सारे दिन की, और वो जो सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स है स्किन रिलेटेड, एक तो वो क्लियर हो जाती हैं। मुझे मोस्टली मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को बड़े यकीन से कहता हूँ, जो लोग 5 वक्त के नमाजी हैं
उनको स्किन के मसाइल नहीं होते, पता नहीं डॉक्टर साहब इस बात से इत्तफाक करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसकी उसकी वजह तो हमारा इस्लाम ने सारी चीज़ें बताई दी। अब आपने बताया कि जो नया टैलेंट है, तो मैं समझता हूँ जैसे जो लड़के हैं उनको जिम्स जा रहे हैं, अपनी बॉडी के ऊपर वर्क करें, ज़रूर करें, और अगर अपने फेस के ऊपर कुछ करना चाहते हैं, फीमेल हो या मेल हो, ज़रूर करें, लेकिन फर्स्ट कम पे जो पहला चीज़ हमने देखनी है वो हमारा बेसिक ट्रेनिंग है कि हम क्या अपनी उस परफॉर्मेंस को दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग शायद उस तरह नहीं देखते, लेकिन उनकी कारकर्दगी उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत से नाम देने आते हैं, बना देती है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, किसी और पर बात ना चलेगा, लेकिन उनकी कारकर्दगी, मैं आप कहने का मकसद ये है, उनकी परफॉर्मेंस आपको उस जगह ले जाती है। तो अल्लाह ताला ने किसी तखलीक जो उसकी बनाई हुई चीजें हैं, अल्लाह ने खूबसूरत ही बनाई है, उसको देखने की नजर चाहिए। हाँ, अगर ऐसे काबिल लोग आ गए उसको मजीद अच्छा करना चाहते हैं तो ऐसे काबिल लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम टिप्स लेंगे, अभी आपको भी देंगे टिप्स, और बाबर भाई की बहुत ही खूबसूरत बातें, बहुत ही प्यारी बातें जाके, और स्टार तो हैं लेकिन बातें बहुत खूबसूरत हैं, इनसे बातें और भी आगे बढ़ाएंगे। सारण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, अगले सेगमेंट में से और गुफ्तगू करेंगे। फॉर नाउ नूर रमजान है, छोटी सी ब्रेक लेंगे, स्टे ट्यून विद अस, विल बी राइट बैक। नूरे रमजान।